शिक्षा के नए नए संस्थान नहीं बनाए, जितने IIT है, AIIMS है, IIM है, सब कुछ है, वो कांग्रेस के जमाने में बनाए थे। जो कांग्रेस ने बनाया ये बेच रहे हैं। BHEL, रेलवेज, NTPC, इस तरह की जो संस्थाएं थी जो यूपी में भी भरी पड़ी है, उससे आपको रोजगार मिलता था, आज कहाँ है? बेच डाली। किसको बेची? अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाली। वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, वो कमा रहे हैं 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, किसान 27 से 30 रुपए नहीं कमा पा रहा है। वो कहते हैं आपको रोजगार देंगे, कहां से देंगे? जहां से रोजगार आता था उसको तो आपने बेच डाला। रोजगार बनाता कौन है? ये बड़ी बड़ी संस्थाएं और छोटे और मध्यम वर्ग के जो बिजनेस करते हैं, आप जैसे लोग जो दुकानदार हैं, जो अपने छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं, जो छोटा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाता है, वहीं से तो रोजगार मिलता है। आपके लिए क्या किया? आपके लिए नोटबंदी लाए, आपके लिए GST लाए, उसके बाद आपके लिए कोरोना में लॉकडाउन ले आए, आपकी कमर तोड़ दी। तो ना आप बना पा रहे हैं रोजगार, जो संस्थाएं थी जो रोजगार बना रही थी उनको इन्होंने बेच डाला, जो बेचा नहीं उसकी बेचने की योजना कर रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया क्या? अरे भाई, नहीं बनाया होता तो तुम बेचते क्या? अच्छा, चुनाव आते हैं तो उद्घाटन होना शुरू, चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे हैं, हवाई अड्डों का उद्घाटन हो रहा है। अरे 5 सालों में क्यों नहीं किया उद्घाटन? 5 सालों में ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं की? 5 सालों में आपने पूछा क्यों नहीं? जब किसान को मारा जा रहा था, जब 6 किसानों को अपने पहिए के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, आप चुप रहे, एक बात नहीं बोली। मोदी जी ने हमदर्दी भी नहीं दिखाई, उल्टा उनके मंत्री के साथ मंच पे खड़े हैं, आज भी खड़े होते हैं, उसका इस्तीफा भी नहीं मांगा। तो ये हालात है बहनों और भाइयों। अब हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए इस चुनाव के लिए हमने 3 घोषणा पत्र बनाए, एक भर्ती विधान, एक शक्ति विधान और एक उन्नति विधान। कोई आतंकवादी विधान नहीं बनाया, कोई पाकिस्तानी विधान नहीं बनाया हमने, हमने आपके रोजगार का, आपकी भर्ती के लिए विधान बनाया। हमने कहा सुनिए, हम कह रहे हैं कि 20 लाख रोजगार बनाएंगे। कैसे? 12 लाख खाली जो पद पड़े हैं सरकार में, जिनको भरने का कष्ट इन्होंने नहीं किया, सबसे पहले हम उन्हें भरेंगे। उसके बाद 8 लाख रोजगार हम नए बनाएंगे। आप जैसे जो नौजवान वहां खड़े हैं, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे सरकार देगी। जहां आपका हुनर है, उत्तर प्रदेश में जहां जहां हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का हुनर, जैसे कानपुर में लेदर का हुनर, वहां हम एक क्लस्टर बना के वहां पे पूरी सुविधा उस हुनर को के विकास के लिए हम करेंगे। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया में आपको बहुत मुश्किलें होती हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं जो भर्ती के इम्तिहान देते हैं और नियुक्तियां नहीं होती। इसके लिए पूरा जॉब कैलेंडर बनाएंगे, भर्ती का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन। और जिस दिन परीक्षा का दिन है, परीक्षा से लेकर भर्ती तक 6 महीने नहीं बीतने चाहिए। अगर इसमें किसी ने दखल दी तो एक कानून बनाया जाएगा और उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को हम कह रहे हैं कि आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है, आपकी अपनी समस्या होती है, आप समझा भी नहीं पाते। हम कह रहे हैं कि हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स और एक कमरा अलग महिलाओं के लिए होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि महिला की शिक्षा के लिए हर जिले में हम केंद्रीय विद्यालय जैसा विद्यालय बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं।
आपको मुफ्त में मोबाइल फोन और स्कूटी जरूर देंगे, लेकिन आपको 40% सरकारी रोजगार में हम आरक्षण देंगे पहले के प्रावधानों के तहत। तो जो पहले आरक्षण के प्रावधान है उन्हीं के तहत महिलाओं को भी मिलेंगे। 25% भर्तियां पुलिस में महिलाओं की करेंगे, ताकि आप पर जब अत्याचार होता है तो आपको महिला पुलिस कर्मी मिलेगी। और अगर आपके FIR दर्ज नहीं हुए, जब आप पर अत्याचार होता है अगर FIR दर्ज नहीं होगा, तो हम ऐसा कानून लाएंगे कि जो पुलिस कर्मी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन होगा। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज हम माफ करेंगे, हमने पहले भी किए हैं, हम फिर से करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप पे कितनी आपत्ति आ रही है। हम कह रहे हैं कि फसल का दाम आपको मिलेगा, धान और गेहूं 2500 रुपए में, गन्ना 400 रुपए में। सबकी बिजली की बिल हम आधी करेंगे, और जिन्होंने कोरोना में बिजली के बिल भरने पड़े, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए हम वो कोरोना का बकाया साफ करेंगे। आंगनबाड़ी आशा बहुओं के लिए मानदेय को 10,000 तक बढ़ाएंगे। अब ऐसी पूरी योजनाएं हमने बनाई है और पूरा खाका तैयार है। क्यों? क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जब तक आपका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये देश, ये प्रदेश बदलेगा नहीं। तो जब हम आपसे वोट मांगने के लिए यहाँ खड़े होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझ के खड़े होते हैं। हमारे प्रत्याशी रुद्र दमन जी को आप भारी बहुमत से जिताइए, मौका दीजिए कि आपका विकास हो, आपके बच्चों के भविष्य को वो उजागर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद, जय हिंद।